अरे मुझे ठंड नहीं लगती, पता नहीं तुम लोगों को इतनी ठंड क्यों लग रही है। क्यों भाई तुझे ठंड क्यों नहीं लगती? अबे मैं ना कमजोर कली नहीं हूँ, मैं ना बहुत मजबूत हूँ, मेरे को ठंड वंड नहीं लगती। तुम्हें पता है मैं ना रोज सुबह उठ के बर्फ में अपना मुंह देती हूँ। क्या तू डेली नहाती है, वो भी ठंडे ठंडे बर्फ के पानी से? तुझे ठंड नहीं लगती? मुझे तो लग रहा है तू हमें पागल बना रही है, कोई प्रैंक प्रैंक तो नहीं कर रही है हमारे साथ? एक तेजस्वी झूठ मत बोल भाई, ठंडे पानी से मुझे तो अभी से बर्फ के नाम से ना कपकपी आ रही है। तू देख झूठ मत बोल। अरे यार झूठ बोल के तुमसे वो भी मेरे को क्या मिलेगा, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा एक बार बता, तेरे को नहाए कितने दिन हो गए? कल ही तो नहाई थी। तेरे को नहाए कितने दिन हो गए? मैं तो रोज नहाती हूँ। होय होय होय, देखो कितनी झूठी हो दोनों की दोनों, यहाँ तक नाक सड़ रही है मेरी। इतनी गंदी बदबू मारी, पांच छह दिन से नहीं नहाई, झूठी कहीं की दोनों। तुम्हें पता है मैं ना महीने में एक बार आइस बात भी लेती हूँ, बर्फ से गिरी हुई बाल्टी और उसमें मैं बैठी हुई। आइस बात? तेजू तू आइस बात कैसे ले लेती है और इतनी कड़कड़ाती ठंड में, तेरे को ठंड नहीं लगती? और नहीं तो क्या, और वैसे भी विंटर्स होती किस लिए, हमारी स्किन को ब्यूटीफुल बनाती है, हमारे हेयर्स को अच्छा बनाती है। और तूने वो नहीं देखा कैटरीना कैफ वाला, वो बर्फ के पानी में मुंह डालती है सुबह सुबह और उसकी स्किन इतनी ग्लोई ग्लोई हो जाती है, इसी कारण तो देखो मेरी स्किन कितनी ग्लोई ग्लोई है, देख 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 टच कर। वाओ यार कितनी प्यारी स्किन है, कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन है, ये सब कुछ आइस बात से होता है? यार हमें बताना, हमें भी ऐसी ग्लोइंग स्किन चाहिए। अरे सब ना आइस बात को कमा रहे, तुम भी आइस बात लो, मैं तो कह रही हूँ। नहीं यार ठंड लगेगी बहुत ज्यादा। यार देखो ठंड तो लगेगी पर हाँ अगर एक बार आइस बात ले लोगे ना उसके बाद ठंड नहीं लगेगी, एक ही बार ही ठंड लगती है। अब ना मुझे धीरे धीरे तेरी बातों पे ट्रस्ट हो रहा है, चल आइस बात लेते हैं। ठीक है चल ना फिर आइस बात के लिए चलते हैं। यार ठंड लगेगी, बीमार पड़ जाएंगे। यार तुम दोनों कितने कमजोर हो, आइस बात लेना चाहिए। अरे एक बात बता, देखो सुंदर नहीं दिख रहा, देखो ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा, और देखो वो क्या कहते फेरी फेरी नहीं दिखना? अपने एक्स को औकात नहीं दिखानी क्या? हाँ एक्स को तो उसकी औकात दिखानी है। ठीक है तेजू मैं तैयार हूँ आइस बात लेने के लिए। आज तुझे चांद पे ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखा दे। हाँ हब बताती हूँ उसे, ज्यादा बनता था ना, हब मैं भी ब्यूटीफुल दिख के दिखाऊंगी। पागल बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी तू। तो एक काम करो तुम दोनों जाओ आइस बात लेकर आओ। अरे 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 रुक, तू तेरी आइस बात लेती है तो हम तेरे घर जाके आइस बात लेंगे ना, हम क्यों लेकर आए आइस बात? तो हमें लेके चल, हमें नहीं पता कि आइस बात कैसे लेते हैं। अबे यार ज्यादा तो नहीं फेंक दिया, खुद ही फंस गई मैं, इतनी तेज ठंड लग रही है ऊपर से फेंकने के चक्कर में खुद ही फंस गई, आइस बात लेना पड़ेगा मेरे को नुकसान। यार देखो मेरे साथ क्या ही आइस बात लोगे तुम दोनों, एक काम करो ना तू अपने घर आइस बात ले, तू अपने घर आइस बात। नहीं नहीं रुक रुक यार, हमें नहीं पता ना आइस बात कैसे लेते हैं, प्लीज तू अपने घर ले चलना हमें। हाँ प्लीज तेजू, मुझे भी गोरा दिखना है, सुंदर दिखना है। अरे मैंने बताया ना बहुत आसान है, बर्फ डाल और बर्फ पर बैठ जा। नहीं 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 तेजू प्लीज, ये कैसा आइस बात हुआ भाई? नहीं तू हमें बता चल। तुम्हारी दोस्त नहीं है, इतना नहीं कर सकती हमारे लिए, यार हम तेरे लिए कितना कुछ करते हैं और तू अगर हमारे। हट, इमोशनल अत्याचार दोनों की दोनों। यार फंस गई, चलो कोई नहीं ले लेंगे आइस बात। थैंक यू तेजू, यू आर आवर बेस्ट। चल चल फिर चल आइस बात। हाँ चला चला। अरे तेजू तू तो बोल रही थी कि तू हमें आइस बात कराने वाली है और यहाँ पे पार्क में लेट के बैठा दिया। अबे ओए एक बात बता, कुछ भी काम करने से पहले बॉडी हीट करनी जरूरी होती है ना, तो पहले आइस बात से पहले सन बात लेते हैं। ए, सन बात? हाथ सेक लो हाथ। और नहीं तो क्या, पर यार हम आइस बात लेंगे तो सही पर लेंगे किसमें, हम तो तीन जने हैं ना। अभी जिसमें तू आइस बात लेती है उसी में तो हम आइस बात लेंगे ना। अभी आइस बात तो मैं ईएमआई पे लेती हूँ। ईएमआई पे मतलब? पहले मैं हाथ पे लेती हूँ, फिर मैं पैर पे लेती हूँ, फिर मैं मुंह पे लेती हूँ, और वो भी अपने घर की बाल्टी में। तू ऐसे आइस बात लेती है? यार ऐसे हम आइस बात कैसे लेंगे फिर? तो अभी ये सोचने की बात है कि हम आइस बात लेंगे कैसे, हम क्या कर सकते हैं, हम कर क्या सकते हैं। तू तो बोल रही थी कि तू डेली आइस बात लेती है, तो अब क्या हो गया? अबे वो तो पता है पर अपन तीन जने ना, तो अपन को स्पेस भी तो जाना चाहिए। यार देख आइस बात का आइडिया तूने दिया था तो सोल्यूशन भी तू ही निकालेगी, हम नहीं जानते। ओए एक आइडिया आया। बता बता।
वो मिल्लू याद है? मिल्लू, हाँ हाँ मिल्लू मिल्लू याद है। उसके पास वो ब्लू वाला ड्रम था, बड़ा वाला। हाँ उस ड्रम में तो हम फिटी आ जाएंगे, उसमें ले सकते हैं हम आइस बात। सही कह रही है, चल चलते हैं फिर उसे लेकर आते हैं ड्रम। हाँ अरे तेजस्वी वो देख ड्रम मिल गया। हाँ तेजस्वी, लेकिन यार ड्रम के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। हाँ अरे पर तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम क्या ये मिल्लू ना मेरा दीवाना है। ओ हाँ तो फिर चलाना अपना चक्कर, हाँ ले ड्रम चल। हाय मिल्लू। अरे तेजस्वी तुम? हाँ मैं, बस तुम्हारी याद तो मुझे दिन रात सताती रहती है। वैसे ना तुम आज बड़े क्यूट लग रहे हो। ड्रम की बात करना कुछ है? अरे हाँ, और तेजस्वी वैसे ना तुम भी आज बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे मिल्लू तुम्हारी तो ड्रम की फैक्ट्री है ना, इसलिए तुम ड्रम के ऊपर बैठे हो। अरे हाँ ये मेरी ड्रम की फैक्ट्री है, और तुम्हें पता है मैं ड्रम का बहुत बड़ा मालिक हूँ, करोड़ों का बिजनेस है। बहुत सारे ड्रम है, एक ड्रम हम भी ले लेते हैं। एक ड्रम तो फ्री दे ही सकता है मुझे। और नहीं तो क्या, तेरे प्यार में लट्टू जो है। अच्छा मिल्लू हम, मुझे ना आइस बात करना था, तो मेरे को ना एक चीज की बड़ी कमी हो रही है। अरे हाँ हाँ तेजस्वी, मैं तुम्हें ड्रम क्या, मैं तो तुम्हें अपना दिल भी दे सकता हूँ, पर अभी ना ये ड्रम नहीं दूंगा। एक बात बताओ, तुम अपने बिजनेस से प्यार करते हो? हाँ। तुम्हारा दिल हुआ तुम्हारा ये ड्रम, और अगर ये ड्रम मेरे पास रहेगा तो तुम्हारा दिल मेरे पास रहेगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर तुम ऐसी बातें कर रही हो तो ड्रम तो क्या, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। बात तो सही है, बिल्कुल सही है। एक मिनट, ये कौन है चिमकांडी सी जो इतना बोल रही है? ये मेरी दोस्त है ना। देखो अगर तुम्हें मेरे से रिश्ता पक्का करना है, तुमने मुझसे प्यार करना है, तो तुम्हें मेरी बेस्ट फ्रेंड्स को तो मनाना ही पड़ेगा ना। सो बिहेव लाइक अ बॉय। नो 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 मैन, नो जेंटलमैन। अबे भाई ये देख फिर बोली है चिमकांडी सी, इसको बोल दो चुप हो जाए। उसको जाने दो ना, तुम मुझ पर फोकस करो। बातें ही करते रहेगा, ये ड्रम भी देगा। अरे रुकी की तो दे दो ना अपना दिल, मतलब ये ड्रम। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, और ये दोनों तुम्हारी फ्रेंड है। हाँ। तो इनको बोलो ये भी मुझसे बहुत सारा प्यार करे। नहीं नहीं मेरे से ये सब नहीं होगा यार, मान जो ड्रम चाहिए, इस बात नहीं करना, सुंदर नहीं दिखना, चांद को औकात नहीं दिखानी। हाँ। दिखानी है ना, एक्स को भी तो औकात दिखानी है। हाँ। ये साला एक्स की वजह से क्या कुछ नहीं करना पड़ा, जिंदगी से तो निकल गया, लेकिन निकलने के बाद भी ना उसके चक्कर में हमें जिंदगी झंडो रखी है। सही में एक्स के चक्कर में ऐसे चिमकांडों के मुंह लगना पड़ रहा है। I love you, I love you ना मिल्लू। हाँ तू भी बोले I love you मिल्लू। हाँ ये हुई ना बात, अब तुम्हें ड्रम क्या, मैं तो तुम्हें डम डिगा डिगा डम डम दे दूंगा। हाँ अभी देता हूँ, ये लो। यार मुझे गोरे होने से कोई नहीं रोक सकता। अबे रुक जाओ, इतनी एक्साइटेड मत हो, तेरा तो सही है, तू तो आ जाएगी, तू भी फिट हो ही जाएगी। मैं कैसे आऊंगी इसमें? एक काम करना, नाप के देख लेते, तू पहले अंदर ड्रम में चले जा, पता चल जाएगा। हाँ मैं ट्राई कर लेती हूँ, ठीक है। तेजू ठीक है ना सब अंदर? हाँ तुझे कुछ भूख तो नहीं लग रही, कुछ खाना तो नहीं है? सांस तो आ रही है ना? अरे ऑक्सीजन की कमी हो ना तो वो भी मैं देने को आ सकता हूँ। आ रही उसको ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है ना। वैसे एक बात बताओ, ये ड्रम मजबूत तो है ना, टूटे उठे का तो नहीं ना? अरे ड्रम की फैक्ट्री मेरी है, और ये ड्रम ना मेरी तरह मजबूत है, दिखाऊं? अरे तेजू तेजू तेजू, अरे तेजू को पकड़ो, तेजू को पकड़। अबे यार पूरी गंदी हो गई, ऊपर से चोटें भी लग गई। हाँ तो किसने बोला था कि ड्रम में बैठने के लिए, और जा अपने मिल्लू आशिक के पास, दे दिया ना उसने, देखो ड्रम लग गई ना चोटे। देखने से लफंगा लग रहा था, और मुझसे आई लव यू भी बुलवा लिया। और नहीं तो क्या यार, अगर सोचना हम इस ड्रम के अंदर बैठे होते तो हमें भी चोट लग जाती। अभी यो एक तो ड्रम का जुगाड़ कर रही थी, मेरे को क्या पता था कि इसमें चोटे लगेगा, तू आई लव यू पे रो रही है, मैंने तो कितना फ्लर्ट करा यार तुम दोनों के चक्कर में, एक तो तुम दोनों के लिए इतना सोचो, ऊपर से मैं ही सुनूं। तो तुम सोच लो ना आइस बात करेंगे कैसे, कुछ आइडिया है कैसे करेंगे आइस बात? यार हमें नहीं पता, अब तो मैं आइस बात करवा के ही रहेगी।
भाई हम कुछ नहीं जानते, तूने हमें बोला था कि आइस बात कराएगी कराएगी कराएगी, तो करवाना पड़ेगा चाहे कुछ भी कर। अरे गाइस मेरी बात सुनो, अब ना मेरे को अच्छा आइडिया नहीं लग रहा है ये आइस बात का। एक काम करो, तुम अपने घर चले जाओ और बाल्टी में ले लो EMI पे आइस बात। नहीं तेजस्वी, चाहे आकाश से लेके आ, चाहे पताल से लेके आ, चाहे मग लेके आ, चाहे जग लेके आ, चाहे ग्लास लेके आ, चाहे चम्मच लेके आ, तुझे हमें आइस बात करवाना पड़ेगा। आइडिया, टब। टब? टब में कर सकते हैं हम आइस बात। अभी वही वाला टब जो इतना सा होता है उसमें बच्चे नहाते हैं, वो वाला टब। उसमें तो नुकसान भी नहीं होगा, चोटे भी नहीं लगेंगे, ऊपर से बर्फ और पानी डाल के मस्त आइस बात लेंगे। ये एक काम करो, कंट्री करो। ये क्या बोल रही है, आइडिया किसका था? तेजस्वी मैं हूँ ना हमेशा तेरे साथ, तेरे कंट्रीब्यूशन की क्या जरूरत है, दोस्ती का कंट्रीब्यूशन है ना। तूने कहा था ना मैं आइस बात कराएगी। अब यो पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं, पेड़ पर रुक रही है, चुपचाप से पैसे दे इधर। ये आइडिया तो तेरा था ना, तो पैसे भी तू देगी, हमारे पास कहाँ है पैसे वैसे। यार तेजू तुझे तो पता है मेरे पास पैसे कभी नहीं रहते, मेरे मम्मी पापा मुझे पॉकेट मनी ही नहीं देते। अबे यार फिर से इमोशनल अत्याचार, ठीक है चलो। गाइस हमारा फूल तो रेडी हो चुका है, पर मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया, रहने देते हैं। अरे ऐसे कैसे रहने देते हैं भाई, इसको खुद ही अच्छा दिखना है, खुद ही ब्यूटीफुल लगना है भाई, हम भी लगेंगे ब्यूटीफुल, हम भी लेंगे आइस बात। बेबी तू ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल है, और तू तू तो खुद को आईने में जाके देख, तुझसे सुंदर कोई लड़की नहीं है। भाई ये झूठ बोल रही है, अब तो ये आइस बात होके ही रहेगा। हाँ तो ठीक है जाओ करो जाओ। ऐसे कैसे, पहले तू जाएगी क्योंकि आईडिया तूने दिया था, हम भी तो देखे आइस बात लेते कैसे, कैसे लेते क्या, जाके बैठ जा अंदर। हाँ तो तू करके दिखाना। मैं क्यों करके दिखाऊं? नहीं तू तेरे करके दिखाना। मैं नहीं करके दिखाऊंगी, चल। अरे चल नहीं यार, है इसको हाथ पकड़, इसको पानी दे। ठीक है ओके, आराम से जाऊंगी, प्यार से खुद जाऊंगी, धक्का देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ चल चल, तुम भी चलो। चल तू पहले चलना, तुम भी चलो, लीडर पहले जाएगा, तू हमारी लीडर है, चल। इसका आइडिया है, वो ही जाएगा पहले। यार कहाँ फंस गई मैं, मत तो मारा गया था। चलो चलो तुम भी चलो। चलो बैठते हैं। मैं बैठते? हाँ बैठना तो पड़ेगा ना, और इस बात का मतलब क्या होता है, बात नहाना। ये पैर गीले करने से काम नहीं चलेगा क्या, तू पागल है? देखो से पैर पैर पे ग्लोइंग स्किन चाहिए, देखो तो कैटरीना कैफ बनना था ना, अब बनना, अब तो करीना कपूर करिश्मा कपूर सब बनी हो। मैंने क्या पाप करा था जो मेरे को ये दिन देखना पड़ रहा है, तेरी वजह से मुझे भी देखना पड़ रहा है। छोड़ यार, छोड़ते हैं, एक्सपो औकात बाद में दिखा लेंगे, बाद में दिखा लेंगे। अब मैं तेरी औकात दिखाऊंगी ना, बैठ चल, ठंडा पानी अब तेको तेरी औकात दिखाएगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, चल पहले नारे तो लगा ले। हाँ, who want glowing skin? We want. Who want glowing skin? We want. Who want glowing skin? We want. चलो अब बैठ। गाइस चेहरे पे भी ग्लोइंग स्किन चाहिए, कम ऑन, नो वे, कम ऑन।
तेरा था ना तूने इसको देख कितना कांप रही है A few moments later. अरे तू पागल है कि बैग जा कोई नहीं जाएगा कहीं पर भी We want glowing skin. तू रख ले glowing skin. नीचे उठे. तू ही बड़ी excited हो रही थी glowing skin चाहिए glowing skin. लेना ले. Guys, ऐसे हमें अपना बहुत ठंड लगेगी अगर हमें ठंड कम महसूस करनी है तो हमें खुद को डिस्ट्रैक्ट करना होगा डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका ढूंढो हम किसी गर्मी वाली जगह के बारे में सोचते हैं ना हाँ हम गर्मी वाली जगह के बारे में हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं हम डेजर्ट में हैं और वहाँ पे पानी नहीं है पानी है ही नहीं पानी खत्म हो गया है Two hours later. और मुझे ना ठंडी ठंडी नींबू पानी पीने का मन कर रहा है वहाँ की रेत कितनी गर्म कर रही है अरे चुप करो ये रेत नहीं है अंधे हो गए तुम लोग पानी है पानी अरे नहीं नहीं ऐसा सोचो कि हम ना किसी गर्म तवे पे बैठे हुए हैं गरम तवा है हाँ और इसके ऊपर हमारा ऑमलेट बन रहा है गरम गरम ऑमलेट अभी पर ये ऑमलेट बहुत ठंडा है नहीं नहीं बिल्कुल गरम है हॉट हॉट ऑमलेट हॉट ऑमलेट नहीं हमारा तो चिकन बनना चिकन यार ऐसे कुछ नहीं हो रहा मैं तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही तू हो रही है तू हो रही है नहीं हो रही तू हो रही है एक काम करते हैं गेम्स खेलते हैं गेम्स खेलेंगे ना तो हमारा माइंड ना कहीं और रहेगा हाँ ओके 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 एक काम करते हैं डांस करते हैं मजा भी आएगा और डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे चलो चलो खड़े हो गाइस एक चीज तो तुमने नोटिस ही नहीं करी हमारा चेहरा बचा हुआ है
अब हम ये गेम खेलते कि कौन कितनी देर तक अपना मुंह पानी ठंडे पानी के अंदर रख सकता है, टाइमर लगाते हैं, ठीक है? चल। अरे जो पहले निकला ना वो। हाँ हाँ चलो चलो ऐसे ऐसे नहीं कर पाऊंगा, ऐसे रखते हैं। हाँ ऐसे रखते हैं। आ जाओ आ जाओ। जब तुम अपने बाल कर ले खराब हो गए तो फिर कुछ नहीं। चलो थ्री रुको रुको लेट मी ओके 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 थ्री टू वन गो गाइस। यार गाइस देख मुझे नहीं मालूम था ऐसा हो जाता, मेरे साथ कभी नहीं हुआ, पता नहीं तुम लोग को कैसे नहीं पता था। तू मुझे बता, तू तो कह रही थी ना तू तो डेली आई बात लेती है, फिर तूने हमें इससे झूठ बोला ना। नहीं नहीं डेली नहीं बोला था, मंथ में एक बार बोला था। और क्या बोल रही थी? आजा तुझे चांद पे ले जाऊं, चांद को उसकी औकात दिखाने। ये औकात है हमारी, लाल लाल पंदरिया जैसे लग रहे हैं। तूने अच्छा नहीं करा हमारे साथ, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। गाइस सुनो सुनो, इट्स जस्ट नेचुरल ब्लश। नेचुरल ब्लश? अच्छा ये बंदर के पिछवाड़े जैसी शक्ल को तू नेचुरल ब्लश कहती है? अबे तेरे नेचुरल ब्लश निकालते हैं। सुनो सुनो सुनो, सिर्फ नॉर्मल सा आइस बर्न है, दो दिन मात्र दो दिन में ठीक हो जाएगा। पक्का पक्का? अरे झूठ बोल रही है, कुछ नहीं होने वाला। ये आइस बर्न लेके हम कहाँ जाएंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अरे मेरा तो सारा जिंदगी बर्बाद हो गया रे, तेरे को छोड़ूंगी नहीं। सॉरी। Hey guys, तो कैसी लगी आपको वीडियो? आज सच्ची में हमने ना, तुमने देखा होगा हमने बर्फ डाली हुई, बड़े मजा आए हमें तो ठंड में आइस बात करते हुए, और ये दोनों मेरे को बहुत गालियां दे रही हैं। बहुत ज्यादा इसने हमारे ऊपर अत्याचार करा है। ये तुम लोग बिल्कुल भी गर्मी ट्राई मत करना, बीमार पड़ जाओगे भाई। मेरा तो गला चला गया, तुम लोग देख सकते हो मेरी आवाज कितनी बदल गई है। हम तो ये सब कुछ सेफ्टी मेजर्स लेके कर रहे हैं, हमारे साथ काफी सारे लोग हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ हम बार बार इवन इससे बाहर भी जा रहे हैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बॉडी को, वरना तो भाई बैंड बज जानी है हमारी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे चैनल तेजस्वी बचाने को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको मेरे गले की आवाज़ चली। बाय बाय, लव यू।